हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। हमारा प्यारा हिंदुस्तान में आए दिन वोट या इलेक्शन बोलिए हमेशा होते रहता है, कभी जनरल इलेक्शन, कभी असेंबली इलेक्शन, कभी पंचायत या तो कभी म्यूनिसिपैलिटी का। तो वैसे ही इस साल में कई जगह वोट हुआ था, इलेक्शन हुआ था, तो उसी से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते साउथ का एक स्टेट कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका का कैपिटल बेंगलुरु है, आप सभी को पता है। वहां 10 मई को वोट कराया जाता है और 13 मई को रिजल्ट आता है। और वहां टोटल असेंबली सीट कितना है, 224। और इस बार जो टर्न आउट था, वोटिंग परसेंटेज, वो था 73.19%। ओके, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितना सीट मिलता है, 135 सीट्स, और इनका वोटिंग शेयर कितना था, 42.88%। अब बीजेपी जो कि पिछला बार का वहां पर राज कर रहा था, बोमैया जो थे वहां के सीएम, उनका जो सीट है 66 मिला उनको, और उनका वोटिंग परसेंटेज 36%, जितना था पहले अभी भी उतना ही है। और जेडीएस, जनता दल सेकुलर, ये वही पार्टी है जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने थे देवेगौड़ा जी, उनका ही ये पार्टी है, और उनको मिला 19 सीट। खराब परफॉर्मेंस रहा, 13.29%। और स्वेरिंग इन सेरेमनी जो होता है वो 20 मई को कराया गया। और कौन शपथ कराता है सीएम को, आपको बताइए, गवर्नर। और गवर्नर कौन है वहां के, थावर चंद गहलोत जी। और किसे सीएम बनाया गया, 22nd सीएम बने सिद्धारमैया, और वो उनका जो एमएलए सीट है, ये आप याद रखेंगे, एग्जामिनर पूछ सकता है कहां से वो जीत के आए हैं। उनका जो सीट है उनका नाम है वरुणा सीट। और किसे हराया उन्होंने, उन्होंने बीजेपी के सोमन्ना को हराया, ठीक है। और लास्ट टाइम यानी कि वो और एक बार भी सीएम रह चुके थे इससे पहले कांग्रेस की तरफ से, 2013 से 2018, ये उनका सेकेंड टर्म है एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ चीफ मिनिस्टर। ओके, और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बने, 9 डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने कर्नाटका के इस बार, डीके शिव कुमार। ये कहां से जीते, कहां से एमएलए बने, कनकपुरा। और इन्हें किसे हराया, इन्होंने हराया नागा राजू को, जो कि जेडीएस पार्टी से थे, और ये प्रेसिडेंट भी हैं कर्नाटका कांग्रेस के, ये आपको याद रखना होगा। अच्छा, अभी जो मैं नाम लेने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 23rd स्पीकर है असेंबली के, कर्नाटक असेंबली के, और ये पहले मुस्लिम है जो जिन्हें इस पद का मिला कर्नाटका का, माने कर्नाटका के पहले मुस्लिम स्पीकर। और ये कहां से जीते, मैंगलोर से जीते हैं एमएलए, और इनका नाम है यूटी कादेर नाम है, KHADR है स्पेलिंग, ठीक है। तो ये रहा कर्नाटक का इलेक्शन के बारे में डिटेल। अब हम लोग और भी 2-3 बाई इलेक्शन का भी कुछ रिजल्ट आया था उसी दिन 13 मई को, उसके बारे में जान लेते हैं। पहला एक लोकसभा का इलेक्शन हुआ था बाई, अच्छा बाई इलेक्शन क्यों होता है, कोई भी सीट अगर किसी भी वजह से खाली होता है, या किसी की डेट के वजह से हो, या कोई केस के कोई हाई कोर्ट का केस का वजह से वहां पर उसको सजा मिल गया उसका वजह से हो, तो 6 महीना के अंदर फिर से वहां इलेक्शन कराना जरूरी है। ओके, तो लोकसभा जो था इस बार का, पंजाब का एक सीट था जलंधर, ओके, वहां से जो एमपी थे वो मैंने आपको कहा भी था, वो जब ये हो रहा था राहुल गांधी का यात्रा हो रहा था उसी के दौरान उनका मौत हो गया था, तो वहीं पर भी ये बाय इलेक्शन कराया गया। और कौन जीता, सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी से, एक लोकसभा का ही से बाय इलेक्शन हुआ था। और 4 विधानसभा का बाय इलेक्शन हुआ था अलग अलग जगह, एक हुआ था झारसुगुड़ा जो कि ओडिशा में है, वहां कौन जीती, दीपाली दास, ये बीजेडी से है यानी कि बीजू जनता दल, जो कि अभी वहां पर सीएम है वहीं का, नवीन पटनायक। अच्छा, एक 96 जो कि यूपी का असेंबली सीट है, वहां कौन जीता, रिंकी कोल, ये अपना दल सेकुलर पार्टी से जीती है, वहां पर बीजेपी का साथ कॉलिशन है इसका। अच्छा, एक सुवार जो कि यूपी का ही एक असेंबली सीट है, वहां से कौन जीता, शफीक अहमद, ये भी अपना दल सेकुलर से, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये यानी कि बीजेपी और अपना दल का तो अलायंस है, एनडीए का लोग हिस्सा है, तो एनडीए का ये पहला एमएलए बने मुस्लिम एमएलए यूपी से इस बार का। अच्छा, और एक सीट है सोहियोंग मेघालय से, वहां पर कौन जीता, शिनसर कुपर रॉय, ये यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, और भी फरवरी में 3 जगह इलेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट का, छोटा छोटा स्टेट में, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, ये भी कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। ओके, इसी साल यानी कि 2023 के फरवरी में नॉर्थ ईस्ट का 3 स्टेट में इलेक्शन होता है, आइए उसके बारे में भी हम लोग हल्का फुल्का जान लेते हैं। पहला स्टेट है त्रिपुरा, त्रिपुरा का कैपिटल आपको पता ही है अगरतला, और वहां असेंबली का सीट कितना, 60 सीट्स, और वहां के चीफ मिनिस्टर कौन बने, मानिक साहा, ये उनका सेकेंड टर्म है। और वो कहां से एमएलए हैं यानी कि कहां से जीते, टाउन बोर्दो वाली असेंबली सीट है, और बीजेपी को इस बार मिला 32 सीट्स 38.97% के साथ। ओके, और जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बना, इनका नाम जरूर से याद रखेंगे, तिपरा मोथा पार्टी, इन्हें 13 सीट मिला, और इनके जो
हेड थे, उनका नाम था प्रद्युत विक्रम माणिक्य देव वर्मा। ये कभी भी आ सकता है, ये एक्चुअली वहां के राजा भी हैं। और गवर्नर कौन है वहां के? सत्यदेव नारायण आर्या। और ये जो सीएम बने माणिक शाह, ये त्रिपुरा के 11 सीएम है। ओके, अब आता है मेघालय। मेघालय में इलेक्शन होता 27 फरवरी, अच्छा त्रिपुरा में होता था 16 फरवरी को इलेक्शन हुआ था। ओके, और मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को इलेक्शन होता है, रिजल्ट आता है 2 मार्च को। तो मेघालय में इलेक्शन 27 फरवरी को हुआ, यहां भी 60 सीट्स हैं, और यहां का कैपिटल है मेघालय का शिलांग, और यहां के सीएम कौन बने? कॉनराड सांगमा। ओके, 12 सीएम मेघालय के कॉनराड सांगमा। और ये कौन पार्टी से है? नेशनल पीपल्स पार्टी। 26 सीट मिला इन्हें और 31.42% वोट मिला। इन्होंने कॉलिशन करके और भी दो चार पार्टी मिला के ये बनाया। और गवर्नर कौन है? फागू चौहान, ये याद रखेंगे। और ये जो कॉनराड सांगवा, ये कहां से एमएलए है? साउथ तुरा, वहां से एमएलए है। इसके बाद आता है नागालैंड। नागालैंड में भी मैंने बताया 27 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, यहां भी 60 सीट्स है, और यहां का कैपिटल है कोहिमा। और यहां पर सीएम कौन बने? नेफ्यू रियो, ये 5th टाइम है इनका। और एनडीपीपी पार्टी से, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। और इनको कितना सीट मिला? 25 सीट्स मिला, 32.22% के हिसाब से। ओके, और यहाँ के गवर्नर है ला गणेशन। और ये कहां से एमएलए है? नॉर्दर्न अंगामी 2। और इन्होंने भी कोलिशन करके अपना सरकार बनाया, बीजेपी भी है और भी दो तीन पार्टी है। अच्छा, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ये आप लोग लिख के रखिएगा, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। फर्स्ट वुमेन एमएलए ऑफ नागालैंड, 1963 में नागालैंड स्टेट बनता है, 60 साल में पहली बार कोई महिला चुन के आती है, एक्चुअली दो चुन के आती है, तो रिजल्ट पहले इनका ही आता था, इसीलिए इनका नाम अब जीके में, ये स्टैटिक में दर्ज हो चुका है। इनका नाम है हेकानी जखालू, ठीक है। ये एक एमएलए बनी, पहली महिला एमएलए, कहां से बनी? दीमापुर 3। ओके, और इसको आप याद रखेंगे, एनडीपीपी पार्टी से। अच्छा, और इसके साथ ही जो और एक एमएलए जीती, कौन थी? उनका नाम है सलहाउतोनस कौसे, सलाहोतनस क्रूजे, इनका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये भी इनके साथ ही एमएलए बनी, बट ये भी एक जीके में आ गई है, ये पहली वुमेन मिनिस्टर बनी नागालैंड की, ठीक है, इसीलिए दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेना होगा। और इन्हें कौन सा पोर्टफोलियो मिला? मिनिस्ट्री वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट और हॉर्टिकल्चर। ओके, और ये कहां से जीती? वेस्टर्न अंगामी, वेस्टर्न अंगामी सीट से ये एमएलए बनी। तो ये था इस बार का जितना भी इलेक्शन था, उसके डिटेल मैंने दे दिया। आशा, उम्मीद करती ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, लाइक प्लीज करा करो यार। ओके, प्यार बांटे, खुशियां बांटे, ज्ञान तो जरूर बांटे। मिलते हैं अगले वीडियो में।